फिलहाल हम आ गए हैं दर्शनी द्वार पर जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। देखिए घोड़े खच्चर वगैरह आपको नीचे से मिल जाते हैं। आज हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं चरणपाद का मंदिर परिसर के पास में। फिलहाल हम आ गए हैं दर्शनी द्वार पर जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। एक्चुअल में ये देख सकते हैं माता इनका दर्शनी द्वार है, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी है भाई, ये फील आ रही है माता इनकी यात्रा पे आ गया। तो ये बस जय माता दी तो बोल दो। जय माता दी, जय माता दी आप सभी को हमारी तरफ से। और माता रानी जल्दी जल्दी आप सभी को यात्रा पर बुलाएं, ऐसी हम लोग कामना कर सकते हैं, है ना। और ये देखिए क्या प्यारा यहाँ पर व्यू है, ऊपर अर्धकुंवारी माता का मंदिर है और पीछे भवन है जो कि आपको यहाँ से नहीं दिख सकता, जाहिर सी बात है। तो अभी फ़िलहाल हम एंट्री कर लेते हैं, अपनी चेकिंग करा लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे जब हम अपनी चेकिंग वगैरह करा लेंगे। अभी फ़िलहाल कोरोना को लेकर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। मतलब वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो ऐसी टेंशन नहीं है कि कोरोना टेस्ट कराना है या कुछ आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आराम से आ सकते हैं, बस अपनी यात्रा पर्ची लेकर आएँ। कोरोना का कोई झंझट नहीं है, टेस्ट नहीं कराना, कुछ भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई है। फिलहाल हम यहाँ पर एंट्री करते हैं माता की यात्रा पे, फिर आगे आप सभी से मिल पाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जब आप एंट्री करते हैं उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है जो आपने पहले ही कटरा से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ली है। आप भक्तों को यहाँ पर अपना बैग चेक कराना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप माता रानी की पवित्र यात्रा पूरे दिन में 2400 घंटे कभी भी कर सकते हैं, यात्रा को कभी भी नहीं रोका जाता है यात्रियों के लिए। तो फिलहाल अभी हमारी वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो गई है और अभी हम बाणगंगा पहुँचने वाले हैं। गुलशन कुमार भंडारा है इधर और यश काफ़ी सालों बाद जा रहा है। देखिए घोड़े खच्चर वगैरह आपको नीचे से मिल जाते हैं, गुलशन कुमार भंडारे के पास से ही आपको घोड़े खच्चर पिट्ठू की सुविधाएं मिल जाती हैं। लोग नहा रहे हैं और वहाँ से बाणगंगा आ रही है। हम लोग भी बाणगंगा में नहाएंगे पर यहाँ नहीं नहाएंगे, हम आगे वाले घाट पर नहाएंगे, गीता घाट पे। तो अभी गीता घाट पे चलते हैं। एक रास्ता होता है सीढ़ियों से जाने का और एक ये प्लेन, तो हम प्लेन से जा रहे हैं फिलहाल। सीढ़ियों से जाना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। पहले यहाँ पे चेकिंग हुआ करती थी, जो दर्शनी द्वार अभी है वहाँ पे चेकिंग नहीं होती थी, यहाँ पे चेकिंग हुआ करती थी वैष्णो देवी यात्रा पे। देखिए काफ़ी सारे स्टूडियो खुले हुए हैं जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ढाबे हैं, दुकानें हैं जहाँ से सामान खरीद सकते हैं, प्रसाद खरीद सकते हैं और चप्पल वगैरह, जूते, ये सब भी, बैग वगैरह, ये सब भी यहाँ मिल जाते हैं। जब आप जाते हैं ऊपर बच्चों के लिए आपको प्रैम मिल जाता है किराए पे, जो कि भैया इसका क्या किराया रहता है? इसका किराया 200। 200 रुपये कितने दिन के लिए? 24 घंटे के लिए अप डाउन कौन करता है यार, मतलब 2 दिन लग गए तो फिर ज्यादा लग गया। 2 दिन के कितने? अच्छा 100 रुपये एक्स्ट्रा पर डे, पहले दिन के 200 और फिर पर डे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज, ऐसे बता रहे हो। प्रैम बच्चे का है ये, आप चला के लेके जा सकते हो, उससे बढ़िया है ये। अपना बच्चा इसमें बिठाया और बैग भी रख सकते हैं, इसमें आगे ले जा सकते हैं आराम से। जगह जगह ये आपको किराए भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, जो कि गीता घाट है, उस सारे घाट पे पहुंच गए हैं जो कि जहाँ से बाणगंगा असल में निकलती है। और इस घाट पर अगर आप नहाएं तो सबसे अच्छा यहाँ पर वातावरण मिलता है आपको। अभी हम यहाँ पर जाकर स्नान करेंगे बाणगंगा में, उसके बाद यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। ये लगभग 1.2 किलोमीटर से पड़ता है ये वाला घाट, जब आप यात्रा शुरू करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जितने ही भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, माता रानी की पवित्र बाणगंगा में स्नान कर कर ही भक्त आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त बाणगंगा में स्नान कर लेता है तो भक्तों की थकान तो मिट ही जाती है, साथ ही शरीर की शुद्धि हो जाती है। बाणगंगा की कहानी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। कहानी के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी जब माँ वैष्णो के साथ में त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे थे, भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी ने माँ वैष्णो से बोला कि माँ वैष्णो मेरे लिए जल का प्रबंध किया जाए। माँ वैष्णो ने सुनते ही झट से तीर चला दिया।
तीर जाकर चट्टान में लगा और वहां से गंगा उत्पन्न हुई। इसलिए इस जगह का नाम बाण गंगा कहा जाता है, क्योंकि इस गंगा को माँ वैष्णो ने अपने बाण से उत्पन्न किया था। वहीं बाण गंगा उत्पन्न होने के बाद में हनुमान जी ने अपनी इसी बाण गंगा से प्यास बुझाई और माँ वैष्णो ने अपने केस धोए। ये देखिए जी, ये है बाण गंगा का घाट जहाँ से बाण गंगा स्थल में निकलती है। ये देख सकते हैं पूरा व्यू। तो अभी हम बाण गंगा में नहा धो के हो गए एकदम रेडी, बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया बाण गंगा में नहा के। इधर हम लोग यहाँ पे नहाए थे घाट पे, फिलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी और चरण पादुका के लिए। तो जय माता दी। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर परिसर के पास में, जहाँ पर सभी भक्त हाथ जोड़कर माथा टेक कर आगे बढ़ते हैं। माता रानी के चरण आज भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इस जगह को चरण पादुका कहते हैं। जब माता रानी ने भैरव को पीछे मुड़ के देखा था, इसी जगह पर माता रानी के चरण रह गए थे, इसलिए इस जगह को हम चरण पादुका कहते हैं। अभी तक हमारा लगभग 3 किलोमीटर हुआ है यात्रा अर्धकुंवारी के लिए। जगह जगह पर आपको ऐसे छोटे से रेस्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको चाय, पानी, नमकीन, बिस्किट, कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे नॉर्मल रेट्स पर मिल जाती हैं। जो यहाँ से व्यू है नीचे का बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो। चाय आपको 7 रुपये मिल जाती है, 8 रुपये में लगभग चाय मिल जाती है, कॉफ़ी भी 8 रुपये में, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करते दौरान भक्तों को बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, जहाँ पर ना सिर्फ भक्त आराम कर सकते हैं, कुछ भक्त तो यहाँ पर सो भी जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भक्तों को काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान इस सुविधा का लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा काफ़ी ज़्यादा सुखद बनती है। यहाँ से कटरा का व्यू बहुत ही प्यारा है। हाँ, अब हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। अर्धकुंवारी मंदिर जस्ट वहाँ पर आ गया है, आप देख रहे होंगे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान जब आप अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक आइसक्रीम वाले अंकल मिलते हैं, जहाँ से आप बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम लेते हैं। आप भक्तों को कहना चाहूँगा, अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो ज़रूर इस आइसक्रीम का आनंद उठाना ना भूलें, जो कि घर की बनी आइसक्रीम है और कहीं ना कहीं आप भक्तों को ये स्वाद हमेशा याद रहने वाला है। मैं तो जब भी यात्रा पर जाता हूँ आइसक्रीम टेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। स्वदेशी आइसक्रीम है, घर की बनी आइसक्रीम है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अर्धकुंवारी हमारा भी 1 किलोमीटर के आसपास, ये ज्यादा नहीं है, और हमें आधा घंटा ही लगेगा ना। 15 मिनट भाई, मैं तेरी मान के चल रहा हूँ आधा घंटा। इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है और पानी वानी पीते हुए चल रहे हैं। तो ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जो भी फ़िलहाल बंद है शिफ्ट चेंज होने की वजह से। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से देखिए दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है भवन के लिए और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अर्धकुंवारी के लिए। हम इस रास्ते से आए हैं कटरा से, तो जिसको अर्धकुंवारी दर्शन करना है वो अर्धकुंवारी वहाँ से जा सकता है इस रास्ते से, और जिसको डायरेक्ट भवन जाना है वो डायरेक्ट इस रास्ते से जा सकता है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट है हम लोग, और अभी सीधा हमें भवन निकलना पड़ेगा। तो भवन निकलते हैं एंड कल वापसी में आके अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर लेंगे और अपनी यात्रा पूरा कर लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से अपनी यात्रा हम तो कर रहे हैं, और भीड़ भयंकर वाली है भाई, देखो कितने सारे भक्त आए हुए हैं और बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर आप देखिए बैटरी कार की लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी, जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है उन लोगों के लिए भी लंबी लंबी लाइन है। और फिर ये समझ नहीं आता कि ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ,
ऑनलाइन पर्ची लेने के बावजूद भी आपको दो दो घंटे वेट करना पड़ जाता है कभी कभी, तो कभी कभी लगता है ये चीज़ सेंसलेस है। और जिनका ऑफलाइन बुकिंग है उनकी तो पूछ ही मत, उनको लगभग 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वो लोग बैठे हैं जिनकी बैटरी कार है, उनको वेट करना पड़ रहा है, और अभी हम जा रहे हैं पैदल। और मतलब लोगों का टाइम वेस्ट ही सही होता है एक तरीके से देखा जाए तो, मैं कह नहीं सकता। ये प्रोसीजर को बहुत आसान बनाया जा सकता था बट इसको थोड़ा हार्ड बना के रखा गया, तो मुझे लगता है श्राइन बोर्ड को थोड़ा सा ईजी करना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए बैटरी कार खड़ी हुई हैं, चार्जिंग हो रही हैं, कुछ चार्ज हो भी चुकी होंगी, बट वही है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, और यात्री परेशान हो जाते हैं इसमें। हम यहाँ से हैं कटरा से, और अगर नए रास्ते से कटरा से आना है ये इस रास्ते से आपको आना है जो कि ताराकोट मार्ग है। दोनों रास्ते साथ में आके मिल जाते हैं, उसके बाद चाहे तो आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं इस रास्ते से, या फिर चाहे तो आप भवन जा सकते हैं उस रास्ते से। मतलब अगर आप ताराकोट मार्ग जो कि नया रास्ता है वैष्णो देवी का कटरा से, उससे आएंगे या फिर बाणगंगा मार्ग से आएंगे, दोनों रास्ते यहीं आके मिल जाते हैं जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ। और उसके बाद यहाँ से दो रास्ते अलग से जाते हैं, एक रास्ता जा रहा है अर्धकुंवारी के लिए और एक जा रहा है भवन के लिए। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं भवन। जय माता दी। और देखिए बहुत ज़्यादा धूप ही धूप है, बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी है यात्रा पर। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी, और यहाँ पर है डोसा पॉइंट जो कि मेरी फेवरेट जगह है। अभी हम यहाँ पर खाएंगे डोसा, यहाँ से ले लेंगे पर्ची और उसके बाद हम डोसा खाएंगे। तो आप जब भवन की ओर जाएंगे अर्धकुंवारी से तो यहाँ पर डोसा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो हिमकोटी मार्ग से हमने खाना खा लिया भाई, मजा आ गया। भवन बचा हमारा 3 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए लिखा है भवन 3 किलोमीटर, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता। अच्छा, ये बोल तो ऐसा रहा जैसे कि हर 20 मिनट यहाँ पे 20 मिनट में 3 किलोमीटर निकाल रहा तू। वाह, एवरेज भी निकालू लगभग 7 का बैठेगा, 7 से थोड़ा सा कम। इतने में भाई साहब जी 200 मीटर भी नहीं चलते सही से, और ये निकालेगा 20 मिनट में 3 किलोमीटर। इसने बहुत परेशान कर दिया भाई, और ऐसा लग रहा मुझे कि भैरव बाबा शायद ही दर्शन होंगे हमें। अब यहाँ से हमें पहली बार माता रानी का देखिए भवन दिखाई देगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ये देखिए जी भवन की पहली झलक, और मौसम काफ़ी सुहावना सा बना हुआ है, काफ़ी प्यारा सा मौसम बना हुआ है। माता रानी के पवित्र भवन के पास पहुंचने के बाद में आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको निःशुल्क लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड द्वारा भी दी जाती है। आप भक्तों को कहना चाहूँगा जब आप भवन पर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप गेट नंबर 3 या फिर 2 से भी जा सकते हैं। हालांकि माता रानी की पवित्र यात्रा पर जब आप दर्शन करेंगे तो आपको आरती के समय दर्शन में नहीं लगना है, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। सुबह लगभग 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आपको दर्शन की लाइन में नहीं लगना है, वहीं शाम को 6:30 से लेकर रात को 9 बजे तक आपको लाइन में नहीं लगना है। फिलहाल भाई हम आ गए हैं भवन पे, और इस समय जो टाइम हो रहा है लगभग 7 बज गए शाम के। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, और बहुत अच्छी यात्रा रही अभी तक हमारी। हम नीचे से अप्रोक्स चले थे 12:30 समथिंग, और फिर बाणगंगा में नहाए तो थोड़ा टाइम लग गया, बाकी तो ये स्लो चल रहा है भाई, बहुत स्लो चल रहा था ये, बट इसने कर दिया। इसकी तबीयत एक्चुअली में इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसने ये यात्रा अच्छे से कर ली। काफ़ी बड़ी डील है भाई, एप्रिशिएट किया जाए इसको, तो एप्रिशिएट ज़्यादा अच्छा है। और ये माता इनका भवन कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हमारे भवन पे दर्शन हो गए हैं, तो आज 4 जून है, सैटरडे है, आज हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे। भाई तेरे को दर्शन करके कैसा लगा भवन पे? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। मजा देखो दर्शन करने में, लिटरली बता रहा हूँ, अभी 3-3 घंटे लग रहे हैं दर्शन करने में। तो इस समय मई जून जुलाई में आप आ रहे हो ना भाई, तो कोशिश करो
कि थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आओ, स्ट्रैटेजी बना के आओ कि कब कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं, वरना भाई तीन तीन चार चार घंटे बड़े आराम से लगे, अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। और रोज की भी लाइन रात को ही कर लेते, लेकिन कुछ लोगों को सोने से भाई मैं तो सोया ही नहीं, मैं एक्चुअली लेट गया था 10:30 बजे, तो मेरी आँख लग गई, इसने मुझे उठाया भी नहीं। एक बार इसने उठाया, कह रहा फिर मैं भी सो गया। तो फिर हमने आज सुबह दर्शन किए, कल नहीं किए, आज फिर नहा धो के एकदम बढ़िया नए सिरे से फ्रेश फ्रेश हो गए, ठंडे पानी में नहाए और मज़ा आ गया। और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब बारी है भैरव बाबा जाने की, भैरव बाबा के लिए रोपवे की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं मातानी के पवित्र भवन पर जब आप रोपवे के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको भवन से भैरव बाबा की ओर ले जाता है, तो आपको काफ़ी लाइन देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि जो भक्त चलने में असमर्थ हैं, भैरव बाबा की कठिन चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते हैं, या फिर घोड़े खच्चर के भारी शुल्क से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में रोपवे उनके लिए काफ़ी आसान साधन होता है। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास रोपवे शुरू हो जाता है, शाम को इसकी आखिरी टिकट 5:30 बजे सेल होती है, जो कि शाम को लगभग 6:30 बजे तक रोपवे चलता है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप भवन से भैरव बाबा रोपवे में जाना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये का किराया लगेगा, जिसमें कि आपका आने जाने का टिकट हो जाएगा। 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है, इस 1.5 घंटे के अंदर आप भैरव बाबा जा सकते हैं और दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती किराया रखा गया है श्राइन बोर्ड द्वारा। वहीं जो भी भक्त रोपवे या फिर घोड़े खच्चर से नहीं जाना चाहते हैं, वो इस रास्ते के माध्यम से भी भैरव बाबा पैदल जा सकते हैं, जिससे काफी कम भक्त ही यात्रा करने के लिए आज के समय में जाते हैं, क्योंकि अधिकतर भक्त या तो घोड़े खच्चर के माध्यम से भैरव बाबा चले जाते हैं, या फिर भवन पे चलने वाली रोपवे सुविधा का उपयोग कर ही भक्त भैरव बाबा पहुंच जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं भक्तों का समय भी बचता है और भक्त अपनी यात्रा को काफ़ी किफ़ायती तरीके से कर लेते हैं, आसान तरीके से कर लेते हैं। वही हम मातानी के भवन से पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर परिसर के पास में। आप भक्तों बता देना चाहता हूं, मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ आरती के समय ही बंद रहता है, उसके बाद में हमेशा आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, यानी कि पूरे 24 घंटे आप दर्शन कभी भी कर सकते हैं। मातानी के भवन के बाद भैरव बाबा कभी भी जा सकते हैं, ऐसे ही मातानी के भवन पर भी आप 24 घंटे कभी भी दर्शन कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरती के समय आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपना अनुभव बताना ना भूलें कि मातानी की पवित्र यात्रा करने अगर आप गए थे तो आपका अनुभव कैसा रहा, या फिर आप कब यात्रा करने जाने वाले हैं। आशा करता हूं अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।